आज दा जिहड़ा खुतबा मैं अर्ज करना है ये यतीमों के आंसू न्यू दलायल नाल न्यू नॉलेज दे नाल जनाब दी खिदमत अंदर पेश हुंदा है। अल्लाह तबारक व ताला सुनने सुनाने तो बाद सानू सही मानिया दे अंदर इहदे ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो फरमाना मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सारे सारे कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी दी यतीमी नू अल्लाह ने इंज बयान फरमाया। कुछ दिनों तक वही ना आई, मुशरकीन और मुनाफिकीन जगह जगह ते गल्लां करदे ने, कहदे ने बस बस मुहम्मद दा रब उन्हूं छड़ गया है, माज अल्लाह हुण उन्हूं भुल गया। अल्लाह करीम ने कसम उठा के सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सूरज दे उस वक्त दी कसम खादी जिस वक्त सूरज पीली धुप खत्म करके बुलंद हो जाता है, पूरी वाजे रोशनी दे नाल है जी बुलंद ऊंचा हो जाता है। ये बाद सूरज की रोशनी फैलती चली जाती है, सारी दुनिया रल के घटा कोई नहीं सकता। इस तरह अल्लाह ने मेरे नबी की नबूवत और रसालत मेरे नबी की जिंदगी अल्लाह ने वज़ुहा कह करके तशबीह दी है कि लोगों क्यामत तक मेरे नबी की रसालत वाली ये रोशनी वधती जाएगी फैलती चली जाएगी, सारी दुनिया रल के कोई घटा नहीं सकता। मेरे नबी की इज्जत मेरे नबी का शान मेरे नबी का मुकाम पूरी कायनात मिल जाए तो इनू घटा कोई सकता नहीं। ये अल्लाह ने अता फरमाइया ने मालिकुल मुल्क ने कसम खा के बात शुरू की। अल्लाह अपनी बनाईया हुई चीज़ों की कसम खाता है, मुख्तलिफ जगह पर कसम खा दिया। अल्लाह ने फरमाया जी वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा फरमाया जुहाब सूरज दे यानी जुहा दे वक्त दी कसम। अल्लाह ने फरमाया ओ कसम दूसरी उस रात दी जदों रात छा जांदी है रात अंधेरा हो जांदा है, फरमाया रात आ जांदी है रात गहरी रात अंधेरी, यानी अल्लाह करीम ने मेरे नबी दी रसालत नू गहराइयां दी तरफ भी अल्लाह ने इशारा फरमाया। मेरे नबी दी सीरत बहुत ही अमीक नजर नाल वेखोगे, ये अंदर गहराइयां दे अंदर जाओगे बड़े बड़े मसायल मिलनगे, बड़े बड़े मसायल का हल मिलेगा। अल्लाह ने दो कसम खा दिया, एक जुहा की कसम दूसरी लैल की कसम। फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा दो कसमां खाने दे बाद अर्श वाले फरमाए मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। सोनिया तेरे रब ने तेनू छड़िया भी नहीं, तेरा रब तेनू भूलिया भी नहीं, तेरा रब तेरे कोलो आवाजार यानी बेजार भी नहीं होया। सुभान अल्लाह, तेरा रब सोनिया तेरे नाले। अल्लाह करीम ने फरमाया मालिक फरमा देने मा मा नाफी है मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका लका खैरुल लका मिनल ऊला। सोनिया तुहाडा हर मामला पहले नालों अगला ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह, दुनिया नालों आखरत बेहतर, जड़ा वक्त गुजर गया दे नालों अगला वक्त बेहतर। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा।
अल्लाह फरमा दे रे सोने इतना अल्लाह तेनू नवाजेगा, इतना ता फरमाएगा हत्ता के तू राजी हो जाएगा। दूसरा तर्जमा खताबत दी जबान अंदर एक तालिब इल्म अर्ज करता चला जावे, सोने इतना नवाजागा, इतना अता फरमावागा, बस बस करा देंगा। जी जी सोनिया, अल्लाह इस कदर मेरे नबी नू एजाज अता फरमाए ने। इधर वेखो कसमा खाने दे बाद एक ते मेरे नबी ते जड़ा अल्जाम लगे, अल्जाम अल्लाह ने धो छड़िया। लोग गल्ला करदे ने उन्हां दियां गल्लां दा जवाब भी हो गया। मेरे नबी नू कोई गल्लां करदा है, मेरे नबी नू कोई ताने मारदा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कोई तकलीफां देंदा है, मेरे प्यारे नबी नू कोई मजनून आखदा है, कोई दीवाना आख रहे है, मेरे नबी नू कोई माज अल्लाह कज़ाब दे लफज बोलता है। मेरे सोने नबी ते जवाब देंदे ही नहीं, मेरे नबी जवाब नहीं जे देंदे, अगों जवाब जवाब बात नहीं करदे, वल्दे मेरे नबी नहीं देंदे। अर्शा वाले फरमाया सोनिया ये भी तेरी अजमत अल्लाह ने बनाई है, किसे दी गल दा जवाब देना तुहाडे शाया ने शान नहीं है। तुहानू अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बनाया है। सोनिया जे तुसा जवाब देन लग जाओ कौड़िया कुसेलियां गल्लां दे, तुहानू किसे रहमत लिल आलमीन नहीं आखना। अल्लाह फरमाया सोनिया इन्हां लोगां दे जवाब देन वास्ते मैं अल्लाह जो काफी हां। अल्लाह ने आप जवाब दिते, आप इधर वेखो अल्लाह ने कसमा खा के जवाब दिते। सुभान अल्लाह, अल्लाह नू कसमा खान दी लोड़ ते नहीं सी, अल्लाह सोनिया सी ते तेरी बगैर कसम तो भी बात मनन वास्ते तैयार और मन्ने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दस्या है लोगो बात सही है, लेकिन मैं अपने नबी दी शान नू बुलंद करन वास्ते, अपने नबी दा मकाम बुलंद करन वास्ते मैं अल्लाह कसमा खाना। अल्लाह ने कसमा खान तो बाद फरमाया हुन गल समझो, पहली बात मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, दूसरी वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, तीसरी बात वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, चौथी बात आ गई अलम यजिदका यतीमन फआवा। सोनिया मैनू इतनी बात दस, जे रब तेनू भूल जांदा, रब तेरे तो बिजार हो जांदा, कौन इतने मुकाम यतीमा नू कौन पुछदा है। अल्लाह ने फरमाया सोनिया अलम यजिद का यतीमन फआवा, सोनिया क्या तेनू असी यतीम नहीं पाया। यतीम पान तो बाद कितनी प्यारी जगह था फरमाई, कितने प्यारे ठिकाने था फरमाए, कितने सोने अल्लाह ने तुहानू मुकाम था फरमाए। अल्लाह फरमा देने यतीमा नू कोई नहीं पुछदा। अर्श वाले फरमाया सोनिया मैं एडे प्रोटो कोलता फरमाए ने जमीना दिया नहीं, जनाब पहाड़ी इलाके खूबसूरत कश्मीर जैसे इलाके जो जन्नत दी नज़ीर, उन्हां दिया सहरा नहीं मरी दिया सहरा नहीं कराइया, सोने सी सहरा कराइया ते फलका पार दिया, आसमाना तो पार ले गया। अल्लाह सोना मेरे पाक पैगंबर नू अल्लाह फरमाया सोनिया नहीं नहीं अलम यजिद का यतीमा फआवा। सोनिया क्या तुहानू यतीम पान तो बाद पहले यतीम सो तुहानू कितना बुलंद मुकाम दिता है, कितनी जगह कितना तुहाडा ख्याल रखे है। अल्लाह फरमा दे सोनिया मैं ही हाँ। अल्लाह फरमा दे असी इन्ना अतैनाकल कौसर,
असी आसी जिला ने शाना अता फरमाइया। अल्लाह करीम ने हौज़े कौसर एक बहुत बड़ी भलाई अता फरमाई। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ते दा तर्जमा कर देने, अल्लाह ने मेरे नबी नु कसीर कौसर तो कसीर लिया है, कसीर ज्यादा नु आख देने। अल्लाह ने मेरे नबी नु बड़िया ही भलाइया, बड़िया खैरां, बड़िया बरकतां, बड़े मेरे नबी नु अल्लाह ने प्रोटोकॉल बड़े मकाम अता फरमाए, VIP मकाम दे छड़े। बड़े अल्लाह करीम ने मेरे नबी नु इनामात अता फरमा छड़े। ओना दे अंदर ये भी ते इनाम है कि अल्लाह करीम ने यतीम नु आसमाना पार ले जाके फिर जन्नत दियां भी सैरां करा छड़िया। सारे कश्मीर मिल जान, सारे दे सारे दुनिया दे बेहतरीन मकाम मिल जान, मरी जैसे मकाम मुजफ्फराबाद कालाबाग, वेखो सज्जे खब्बे अयूबिया जैसे लहलहांदे होए, और डूंगा गली तो जनाब तौहीदाबाद अयूबिया वाल पैदल रस्ता कदी गए हो वो, दुनिया दे हसीन तरीन पैदल रस्तियां तो रस्ता है। अल्लाह फरमाया सारी कायनात मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए, सारी दुनिया रूए जमीन दिया नेमता मिल जान। अल्लाह ने फरमाया ये बुखारी शरीफ दी हदीस है, मेरे नबी नु दसे है, सोनिया फरमाओ के जन्नत दी एक जनाब कोड़ा बराबर जगह, गज सवा गज दा कोड़ा हुंदा है, कोड़ा बराबर जगह, खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा। ये दुनिया से दुनिया के अंदर जो कुछ मौजूद है ये नालों भी कीमती है, समझो ना, एडी कीमती जन्नत दिया सैरां कराइया। इसे जिसम नाल इंसानी जिसम नाल रूह बमाए जिसम का मुरक्कब होता है जिन्हों इंसान आखते ने। ये बंदा जा रहा है, बंदा चलता फिरता है, इंसान चलिया फिरता है, रूह अलग हो जाए तो कहते ने मैयत। फिर मैयत होंदी है अबद दा लफज, यानी रूह बमाए जिसम दे मुरक्कब ते बोलिया गया है। जदो मेरे नबी आसमाना पार गए सिदरतिल मुंतहा, यानी सिदरतुल मुंतहा दे कोल, फऔहा इला अब्दिही मा औहा। अबद दा लफ्ज बोलिया अल्लाह ने वही फरमाई अपने बंदे दी तरफ जो वही फरमाई। अल्लाह नूं पता केड़ी वही कीती है, अपने बंदे दी तरफ उते वही दे जरिए मेरे नबी नाल हम कलाम होए मेरे नबी। अल्लाह करीम ने अपने अर्शां दे नीचे जड़ी जन्नत बनाई ओदी मेरे नबी नूं सैर कराई। अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरे नबी दी यतीमी ते वेखो ना लोगो, तवज्जो फरमाना। लाहौर दे बासियो इक अदना जा तालिब इल्म फैसलाबाद तो चल के जनाब दी खिदमत अंदर खुतबा जुमा अर्ज करन वास्ते आंदा है, और आप दे कीमती वक्त नू मजीद कीमती बनाण वास्ते दिन रात मैं मेहनत करना, दिन रात नॉलेज करके तैयारी दे नाल जनाब दी खिदमत अंदर पेश होना। इधर वेखो अल्लाह ने फरमाया सोनिया इतना मुकाम, इतना मुकाम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत विच सैर करदे फिरदे ने, हुजूर फरमांदे ने मैं अबू तला दी बीवी रुमैसा नू जन्नत विच वेखिया। इस तो बाद अगे होए मेरे नबी ने फरमाया कि बड़ा खूबसूरत महल है, बाहरों ही इतना सोना लगता है, जी चाहता है दे अंदर जाके दा दीदार नजारा किया जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देने उते को खूबसूरत जवान लड़की वजू पई कर दिए। आप पूछते ने के दा महल है, ये बोल के कहती है ते सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी मुरादे पैगंबर उमर दा महले, उमर बिन खत्ताब दा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप जदों बयान कर रहे ने, मिराज तो वापस आए ना, बात दूर ना निकल जाए, जदों मेरे नबी बयान फरमा रहे ने उदों फरमा दे ने प्यारे उमर
इतना प्यारा तेरा महल, मेरा जी चाया के मैं अंदरों घूम फिर करके आवा, उदा चक्कर ला के आवा, नजारा करके आवा, मगर उमर प्यारे मैनू तेरी गैरत याद आ गई। हजरत उमर दियां अखां डुल पईआं, हजरत उमर रो के कहंदे ने आगारू अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी जी मैं तुहाडे ते गैरत करांगा। अल्लाह तुहाडे ते गैरत मैं करांगा उमर। अल्लाह अकबर अल्लाह अलगरज। अल्लाह फरमांदे ने सुनिया इतनी कीमती जन्नत, ए दुनिया ते जमीन की हुंदी है सत्ते आसमान। सुनिया मेरे महबूब तेनू छड़ दिता हुंदा ते या भुल जांदा, या यतीमां दा ख्याल मैं ना करदा ते कौन करदा। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिद का यतीमन फावा, यतीमी मेरे पाक नबी दी। अल्लाह फरमा देने सोनिया ए यतीमा नू इतना बुलंद कीता है, मैं दस्या हजरत मूसा अलैहि सलाम दियां वारियां कोहे तूर ते जान ते अल्लाह फरमावे फखला नअलै फरमावे मेरे मूसा ए जोड़े जड़े पाए हुए ने ना इन्हां नू उतार दिओ। इन्नक बिल वादिल मुकद्दसी तुआ, ए तुसी मुकद्दस वादी अंदर मौजूद हो। मैं पूछना पूरी कायनात दे मुहक्किकीन उलमा कोलो खुतबा कोलो साहिबे मुतालिया पढ़े लिखे लोगो तुहाडे कोलो भी पूछना, भला मेरे नबी नू जदों आसमाना पार अल्लाह लै गया है उस वेले आख्या है, भला आख्या फखला ना लेक सुने जोड़े उतार दे तुसी आसमाना पार बुलंदिया ते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एदा मतलब साफ़े कोई बनदा सोनिया, आ जा सने जोड़िया, आ जा सत्ता समाना पार, आ जा अल्लाह लै गया पार। सुभान अल्लाह। अल्लाह दसना चाहते ने कि सत्ते जमीना सत्ते आसमान ए चौदह तबक मेरे सोने दे नाल जोड़िया दे थले, मेरा नबी सारिया तो उत्ते सिर्फ रब कोलो थले, मेरे नबी दी शान दी बल्ले बल्ले बल्ले। ऐ जे मेरे नबी दा है यतीमान कौन, आलम या जिद का यतीमन फावा। सोनिया क्या तुहानू यतीम नहीं पाया, यतीम पाने तो बाद कितनी प्यारी जगह अदा कर दीती है। ओ वजदा कव्वाल फखदा, सोनिया क्या तुहानू है जी रस्ते दी तलाश दा राह दा पता नहीं सी, यानी राह गुम कीते हुए राह गुम शुदा नू अल्लाह करीम ने राह याब बनाया, राह दे उत्ते चलाया, जन्नत दी राह दा सोनिया तुहानू पता नहीं सी। समझ आई ना, ये मतलब है तुसी तलाश करदे फिरदे सो, गारां च रोंदे फिरदे सो, अल्लाह की बनेगा इस कौम दा जड़ी रस्ते तो भटक चुकी है। सोनिया राह दा यानी शरीयत तुहाडे कोल नहीं आई सी, एदा मतलब ए भी बनदा है अलम फवा वजदा कल्ला फखदा। सोनिया क्या तुहानू शरीयत तो दूर वेख्या, ते क्या तुहानू सहबे शरीयत नहीं बनाया। शरीयत अल्लाह करीम ने सहबे शरीयत बनाया, इतना प्यारा मुकाम मेरे नबी दा, आलम या जिद का यतीम फावा। अगे फरमाया वा वजदा का दाल फखदा, वा वजदा का इला फागना।
होने आ क्या तुहानू जनाब हाँ जी ए जनाब हाँ जी तुहानू जनाब तवंगरी नहीं आता फरमाई सोने तुहाडे कोल कुछ भी नहीं सी अल्लाह ने तुहानू तवंगर बना छड़िया बड़ी दौलत आता फरमा छड़ी इतो दौलत तो मुराद सबर जे सबर दौलत तो मुराद की है सबर सोने बेसबरी तो तुहानू तवंगर कर छड़िया बेनियाज कर बेसबरी तो हाँ हाँ जेड़े दुख आते ने दीन वास्ते तकलीफा आदियां ने ओदे ते सबर कीता जे सोने तुहानू हिरस ते दुनिया दी लालच तो दूर कर छड़िया ए मन आए जनाब अल्लाहु अकबर वा जदा का फला तनहर सोने आई कोई सवाल करन वाला सवाल करे ओनु झिड़का नहीं मारनिया अल्लाह अल्लाह सोनिया उन्हों झाल नहीं पलानी सख्ती नाल गल ओदे नाल नहीं करनी अल्लाह अकबर अल्लाह जी 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 फअम्मल यतीम फला तकहर यतीम नू धक्के नहीं मारने अल्लाह अकबर अल्लाह यतीमा नू रोण ते मजबूर नहीं कर देना अगे मैं कुराने पाक सुनावांगा जेड़ा यतीमा दे आंसू निकालदा है यतीमा नू रोण ते मजबूर कर देंदा है यतीमों के आंसू ने ना रोण ते मजबूर कर देंदा है अल्लाह नू जहन्नम दी अग अंदर साड़ेगा बयान करांगा अगे चल के बयान करना सुनना दरा तवज्जो दे नाल अल्लाह ने फरमाया सोनिया हांजी यतीम नू धक्के नहीं देने यतीम और सवाल करन वाला आ जावे उनू झिड़क नहीं मारनी कोई चंगा लफज बोल देना है अगर कोल कुछ ना होवे हांजी हौसला फदाई करनी है एक होंदे ने पेशावर लोग पेशावर मांगत पेशावर मंगण वाले जिन्होंने एक तमाशा बनाया है, अल्लाह माफ करे सारे दा सारा टब्बर मंगदा फिरदा सारा दिन मंगदे ने सारा दिन अल्लाह माफ फरमाए नूं पता है पिछले दिनों एक बंदा फड़िया गया ते ओदे कोलो बड़े डालरां दियां बोरियां निकलियां आ मंगत मंगना डालरां दियां बोरियां अस्तगफिरुल्लाह माद अल्लाह यार की होया पिया एक दिन मैं गड्डी रोकी इशारे दे उत्ते एक बीबी मंगण वास्ते आखी मैं क्या बीबी बच्ची तेरा शौहर की करदा है कहती वह भी कह लगी वह भी इसे काम उन्होंने निकलिया होया गल समझ आ गई अल्लाह दी पनाह अल्लाह माफ करे किहड़े पासे लग गए हाँ जी जेड़ा जरूरतमंद बंदा है सवाल करे ते उन्हूं छिड़क नहीं मारनी وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سوال کرنے والے نو جناب چھڑکنا نہیں ہے یتیم نو دھکے نہیں مارنے یقین یتیم دی انسلٹ نہیں کرنے جناب وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ अल्लाह ने फरमाया सोनिया सूरज हा मुकम्मल हुई अल्लाह ने फरमाया सोनिया जिहड़ियां नेमतां ने ना नेमतां अल्लाह ने तुहानू दित्तियां ने उन्हां दा जिक्र करदे रहा करो नेमतां नू बयान इत्थों उलमा ने कहा जे नेमत अल्लाह ने दित्ती होवे फखर ना होवे रिया ना होवे दिखावा ना होवे क्यों जी तकब्बर ना आवे तैनू अल्लाह ने बड़ी दौलत दित्ती है बड़ियां नेमतां नाल नवाजे है जी ते फिर की करिया कर है जी अल्लाह दियां नेमतां दे इजहार वास्ते बिल्कुल ही यतीम मिसकीन बन के रहना फटे कपड़े पुराने धोते नहीं कदे इंज लगता है बंदा करोड़ों का मालिक इंज लगे जे ये बेचारे को रुपया कोई नहीं मंगने वाला किधरों आया पे इस तरह भी जायज नहीं इंज रहना भी अल्लाह ने दिता हो नेमत का इजहार तेरे ते नज़र आना चाहिए नेमत अल्लाह की नेमत लेकिन तेरे च तकबर ना आवे जे तकबर आ गया तो फिर तेरा सारा कुछ रुड़ गया फिर अल्लाह की नेमत का इजहार नहीं तकबर नहीं करना लेकिन अल्लाह की नेमत का तहदीस नेमत के तौर पर उन्होंने जिक्र होना चाहिए जिक्र ओदा की है अलहमदुल्ला है जी सजदा करते अलहमदुल्ला
कपड़े पै ते अल्लाह दी तारीफा कर कपड़े पावे हैं जी खावे पीवे ते अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्ला पढ़ के ये अल्लाह की नेमत का इजहार है। नेमत अल्लाह की नेमत यानी उन्हों बयान करता रहा कर सोने इधर वेखना सूरत दहर दे अंदर मैं जो ऐत पढ़ी अपने खुतबे का मेन माटो बनाया है वो अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया सोने उन्हां लोगां दी तारीफ अल्लाह ने की जेड़े लोगां नूं अल्लाह दी रज़ा वास्ते खाना खिलांदे ने अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा यानी यतीमा मिस्कीना नूं और कैदियां नूं खाना खिलांदे ने शुक्रिये शुक्रिये दे रवादार भी नहीं हुंदे ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा फरमाया जज़ा कल्ला भी कहलवाने दे रवादार नहीं हुंदे मेरिया जी हुदूरियां खुदियां फिरनगियां मेरे सामने मेरिया जुतियां चुगी फिरेगा मेरे सामने मेरिया खिदमतां जी जी करदा फिरेगा जज़ा कल्ला नहीं नहीं होते जज़ा कल्ला कवाने दे भी रवादार नहीं हुंदे अल्लाह दी रज़ा वास्ते इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह अल्लाह की रजा वास्ते हैं जी खर्च खाना खवाते ने कि यतीमा मिसकीना और कैदियों खाना खिलाते ने अल्लाह की बोलो अल्लाह की अल्लाह की रजा वास्ते सुबहान अल्लाह इस वास्ते इधर वेखना बुखारी शरीफ की हदीस 5304 नंबर मुतालिया करना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला वकाफिलुल यतीमी फिल जन्नति हाकजा मेरे नबी फरमाया मैं और यतीम दी कफालत करने वाला जन्नत विच इंज कट्ठे होवांगे इंज कट्ठे होवांगे मेरे नबी ने वुस्ता और सबाबा उंगली इवें दो उंगलियां नाल नाल खड़िया कीतियां और उन्हां दे दरमियान थोड़ा जिहा फासला रखिया थोड़ा जिहा फासला है शान मरतबे दे इतबार नाल उंगली ऐ बुलंद है क्यों जी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया मेरे नाल होएगा यानी करीब करीब जन्नत च मेरा गवांडी होएगा सुभान अल्लाह मेरा गवांडी सुभान अल्लाह कितना अजीम मकाम यतीम दी कफालत करने वाले नू अल्लाह ने कितना बुलंद मुकाम अता फरमाए तबरानी शरीफ दी सही हदीस समाज फरमाओ सही सनद नाल अन अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعث بالحق لا يعذب الله يوم القيامة मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह दी कसम यानी कसम उस ज़ात दी वल्लज़ी बअसनी बिलहक ओ अल्लाह जिन्हें मैनू हक नाल मबूस फरमाया हक नाल मबूस फरमाया हक दे के ठीक है बिल्कुल थोड़ी जी आवाज अल्लाह थोड़े प्यार नू कबूल फरमाए अल्लाह राजी हो जाए थोड़ा जा थी मां है ताकि बंदे क्योंकि बाकी बंदे थे वो समझते ने पता नहीं बाबा जी गुनाह कर रहे हैं नेकियां कमाते पे हो है जी पर उन्होंने गुनाह लगता पे बार बार सारे बंदे वखरे वखरी टाइप दे है जी बंदा हर बंदा ही वखरी टाइप का होंगे ठीक है ना तुहाडा अपना जनून है तुहाडी अपनी मुहब्बत है लेकिन थोड़ा जि आवाज ना रलता मिलता इधर वेखो ताकि मैं बयान सही कर सकता इतने को भूलता भलता ही नहीं फैसला बाद से आवाज आती हूँ बंदे की इतने तो अं गुंग बन के बैठे रहते हैं अज तुम इन्होंने रीत पाई है आस ना
नाल माड़ा माड़ा तुहाड़े आसरे नाल थोड़े थोड़े तुहानू अपना इमाम मन के भी माड़े झेले ने अज। अल्लाह अकबर अल्लाह जी। मेरे प्यारे वीर मैं अर्ज कर रहा, मेरे नबी सोने ने फरमाया वल्लज़ी बअसनी बिल हक। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आखो इन लोगों उस जात की कसम है जिन्हें मैनु हक दे करके मबूज फरमाया, हक नाल भेजे आए, हक दे करके भेजे आए। ला युअज़्ज़िबुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उस बंदे नु क़ियामत वाले दिन अजाब नहीं देगा। मरहिमल यतीम। अल्लाहु अकबर। यतीम ते जड़ा नरमी करदा है वाजिबा मरहिम। तबरानी दी हदीस हजरत अबू हुरैरा रावी और सनद सही, ठीक है ना, याद रखे जे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह दी कसम खा के आख्या कसम ओ जात दी जिन्ने मैनु हक दे करके मबूस फरमाया, ला युअज़्ज़िबुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन अल्लाह उस बंदे नु अजाब नहीं देगा। मरहिम यतीम। जेड़ा यतीम ते रहम करदा है, यतीम नाल नरमी करदा है। अगली बात फरमाई वअला लहु फिल कलाम, और ओदे नाल नरमी नाल पेश आंदा है, कलाम करदा गल करदा ते नरम नरम ले जा। प्यार भरी मोहब्बत यतीम नाल नरमी नाल कलाम करना भी तेरा तेरा इजाद है, तेनू अजाब नहीं होएगा। यतीम दे आंसू सुन दे चले जाओ ना। मेरे नबी ने फरमाया एक ते उस बंदे नू अजाब नहीं होएगा मर रहिम अल यतीम। मेरे नबी ने फरमाया दूसरा वो बंदा है वो अलन लहू फिल कलाम, और जेड़ा नरम कलाम अंदर बोलन अंदर ओदे नाल ओदे वास्ते नरमी अख्तियार करदा है। एदी जबान अंदर नरमी आवाज धीमी होवे ओदे अंदर मिठास होवे। जनाब गल समझ आई ना। ऐ जे यतीम नाल प्यार करने वाला बंदा जिन्नू अल्लाह अजाब नहीं देगा क़यामत वाले दिन, इसे वास्ते मेरे तेरे प्यारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह करीम ने फरमाया, प्यारे नबी ने फरमाया सोनिया और क्या उस बंदे नु नहीं वेख्या जेड़ा क़यामत वाले दिन दा इनकार करदा है। क़यामत वाले दिन नु जेड़ा चुटलांदा है क्या उस बंदे नु नहीं वेख्या, यानी मेरे नबी नु, यानी एदी अहमियत वाजे करने वास्ते है जी ये बात वेखण की बात की जा रही। क्या उस बंदे नु नहीं जानते, क्या उस बंदे नु वेख्या नहीं। अल्लाहु अकबर। ए रोआ ते यकीनी है, यानी यकीन दा वेखना है। अल्लाह ने फरमाया क्या उस बंदे नु नहीं वेख्या जेड़ा जजा वाले दिन नु छुटलांदा है। अगे उस दिन दा तस्करा आना चाहिदा सी ना, उस दिन दा जेड़ा जजा वाले दिन दा तस्करा आना चाहिए सी ना, क्यामत वाले दिन दा रोजे जजा दा है जी ओदा जिक्र हुंदा। लेकिन अगली आयत अंदर फरमाया फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ओ बंदा है जड़ा यतीम नु धक्के देंदा है। फज़ालिकल्लज़ी वो आदमी है, वो आदमी है जो यतीम को धक्के देता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़े नुक्ते की बात है जी कुरान मजीद अंदर बयान हुई है। अल्लाह करीम ने दसाया कि वह बंदा जड़ा यतीम नू धक्के देंदा है, वह बंदा रोजे क्यामत यानी महशर वाले दिन रोजे जजा वाले दिन का इनकार करता है। गोया कि उन्हें रब के सामने पेश ही नहीं होना। जिन्हों रब के सामने पेश होना याद है जी, यौमे आखरत यौमे जजा उन्हों जो याद है, वो तो यतीम नू धक्के नहीं देगा। अजे सलूब कुरान पाक दा। अल्लाह करीम ने फरमाया अराई तल्लदी युकज़्ज़िबु बिद्दीन,
कि उस बंदे नूं वेख्या जिहड़ा रोजे क़यामत नूं रोजे जज़ा नूं झूठ लांदा है। फरमाया फज़ालिकल लज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन। फरमाया ओ बंदा जेड़ा है जी यतीम नू धक्के देंदा है और ओ खाने दी तरगीब भी मिसकीन वास्ते नहीं दिलांदा। जेड़ा यतीम नू धक्के देगा ओ मिसकीन दे खाने नू खाने वास्ते रगबत किवें लोगां नू दिलाएगा, आप ते नहीं उन्हें खाना खवाना। लेकिन वह एड्डा पलीत है एड्डा गलीज आदमी है जेड़ा यतीम नू खाना भी तो नहीं खिलांदा उल्टा धक्के देंदा है, ते ओ बंदा मिसकीन दे खाने खवाण वास्ते रगबत भी नहीं दिलांदा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह जी मेरे प्यारे वीर। फरमाया है जड़ियां सारियां दियां सारियां कमजोरियां ने अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अलमाऊन। जेड़ा बंद जेड़े बंदे नमाजा सुस्ती करते ने वो भी तो रोजे जजा उन्होंने भुल गया तो झुठलाने वाली गल है। खड़े होंगे ने जनाब नशियां तरह नाना ना एडे सुस्ती दे मारे हुए इंज नमाज इच ना खड़े होवो। नमाज का तरीका ही बेलियां ने अपना वखरा ही बना दिता। अखे नमाज इंज पढ़ो जिमें ज़ईफ बंदा बुढ़ा के डिगदा ही जांदा। इंज नमाज पढ़ो ले एडी सुस्ती वाली नमाज तो मना फरमाया गया है। ये साडे बेलियां दूसरिया ने सवाए साडे मसल के हक तो अलावा तकरीबन सारे ने कहा जी नमाज इंज पढ़ो जिमें बीमार बीमार लोग पढ़ते हैं। अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं तंदुरुस्त बंदा जिमें नमाज पढ़ता नमाज उंज पढ़ो क्योंकि ये लोगों को खाण वास्ते तो इंज हो सकता है लेकिन अल्लाह का जिहड़ा दिल की खशियत का ताल्लक है दिल के डर का ताल्लक है खुशुओ खुजू का ताल्लक है वह तो दिल नाल दिल का तो रब का ताल्लुक है। वो इंज तो नहीं होंदा वाजे होंदा कि इंज खड़े होने पता लग जाए बड़े खुशबू खुशू नाल खड़ा होया जी वो खुशबू खुशू का तर्जमा ये करते हैं। हालांकि कुरान के भी खिलाफ है तो हदीस के भी खिलाफ है। यह जी नमाज बंदे दे कन्ना तो उत्ते तजावज ही नहीं करती मतलब कबूल ही नहीं होंगी यदा मतलब यह बनता है। हाँ इस वास्ते नमाज अंदर बंदा अखा बंद करके खड़ोना मना जे नमाज के अखा बंद करके नमाज पढ़ना मना जे मना है जी। याद रखो अखा खुलियां होन सामने एक बंदा आम बंदे नाल जिहड़े गल करदा है ते अखा बंद करके गल करन लग जाए मैं जो हुण अल्लाह ने मैनूं नज़र भी दित्ती होवे अखा भी होन ते मैं अखा बंद करके तुहाडे नाल गल करदा रहां या तुहाडे जो कोई बंदा मेरे नाल गल करे ते अखा बंद करके गल करे चंगा लगेगा ते फिर अल्लाह नाल गल करनी ते अखा बंद कर लेनियां एक गलत बिल्कुल हदीस के खिलाफ है। बरकैफ अल्लाह करीम ने फरमाया है जड़िया सारिया कुताइया छोटिया छोटिया मंगण वाली चीज़ा मंगिया हुए नहीं देंदा उदे तो भी रोक दो उन्हें चीज़ा भी रोक दिया कहते ना मेरी चीज़ में हाथ ना लाओ थोड़ी जी चीज़ कोई मंगणवा मंगण वाला आ जाता है थोड़ा जी अपनी गरज पूरी करने वास्ते उन्हें छोटिया छोटिया चीज़ा उन्होंने ही मना करता उन्होंने नहीं देंदा मंगिया चीज़ा मंगवियां नहीं देंदा। ये सारिया कुत ताइया जो सूरह मऊन अंदर बयान की दिया गया ने हैं जी ए ओ कोई उसे बंदे दे अंदर ही हो सकदियां ने जेड़ा यौमे जजा नू छुटलांदा है कयामत वाले दिन दा जेड़ा इनकार करदा ओदे च कमजोरियां हो सकदियां ने। हुण असीं वेख लईए साडे च किहड़ा बंदा है इना ये कमजोरियां किहदे किहदे च ने अपनी सलाह करिए। मेरे प्यारे वीर अल्लाह करीम ने दूसरे मुकाम ते फरमाया है व अम्मा इज़ा मबतलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा। जदों अल्लाह ताला अपने बंदे का रिजक तंग कर लैंदा ना तंग कर देंदा फ़यक़ूलु रब्बी अहानन ते फिर कहंदा फिरदा मेरे रब ने मैनू जलील कर छड़िया मेरे रब ने मैनू कहंदा फिरदा लोगां दे अगे मेरे अल्लाह ने मैनू जलील कर दिता आसमाना तो आदा कल्ला कल्ला बल्ला तुकरी मूल यतीम। अल्लाह फरमाया अल्लाह फरमाया हरगिज हरगिज नहीं कल्ला हाँ जी बल बल्कि ला तुकरिमुल यतीम ओ तू ओ जड़ा यतीम दी इज्जत नहीं करदा। अल्लाह कहंदा नहीं मैं नहीं तेनू जलील कीता यतीम दी इज्जत ना करके तेरा रिजक तंग कर दिता
तेरा रिजक तंग कर दिता, रब ने जलील नहीं किया तेनू, रब ने रसवा नहीं किया, ना ना। अल्लाह कहता कल्ला हरगिज, हरगिज नहीं, बल्ला बल बल्कि ला तुक्रिमून अल यतीम, ऐसे लोग वो यतीम की इज्जत नहीं करते। समझ आ गई, यतीम का इकराम नहीं करते, इस वास्ते उन्होंने रिजक तंग हो जाते ने। और ना वला तहादून अला तआमिल मिस्कीन, और ना मिस्कीन दे खाने की तरगीब भी दिलाते रे, इस वास्ते उन्होंने वो आप नहीं यतीम नू खवा सकता, तेरे कोले कुछ नहीं खवाण वास्ते, कम अज कम दूसरे बंदे नू ही रगबत दिला दिया कर, क्यों जी तरगीब दिला दिया कर, सोने मिस्कीन यतीम का ख्याल रखी दा है, आप नहीं कर सकता दूसरे नू कर दिया कर। हुण मेरे कोले टाइम जो थोड़ा रह गया, इतने ज्यादा दलायल यतीमों के आंसुआ ते, सूरत निसा दी पहली आयत छड़ के, पहली आयत जड़ी खुतबा निकाह दे अंदर भी ने पढ़ी जांदी है, पहली आयत ओ छड़ के ते अगे रुकुआ दे रुकू, अल्लाह ने आयतां दियां आयतां यतीमां दी वकालत करके विखाई, यतीमां दा एडवोकेट बनया होया, अल्लाह आप वकील बनया होया यतीमां। तुसी जाके मुतालिया करिया सूरत निसा, निसा कढ़ लेना, बकरा तो अगली सूरत निसा, ठीक है, सूरत निसा कढ़िया जे पहली आयत तो शुरू कर दो, पहली आयत का तर्जमा जरूर पढ़ लिया जे, अगे आयत पढ़ी जाओ, अल्लाह ने कितनी वकालत फरमाई है, पूरा एक खुतबा इत्थे ही दो रुकुआ दे उत्ते खुतबा पूरा हो सकता है, कि यतीमां दी अल्लाह ने कितनी पासवानी की है, कितनी वकालत की अल्लाह ने, किन्ना वकील बन के अल्लाह सोना यतीमां दे नाल, यतीमां दी हमायत अंदर किन्ने दलायल देंदा पिया है जी। इस वास्ते बाद खत्म करिए, आखिर ते आइए सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस, मेरे तेरे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद, जोर नाल कह दो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी ने हजरत अबू जर नु मुखातिब करके फरमाया, अबू जर मैं तेनू ज़ईफ वेख रहा, यानी कमजोर जहा वेखना, मैं तेनू कमजोर जहा, कमजोर अजायम दा, कमजोर आसाब दा मालिक मैं वेख रहा, और मैं ओ तेरे वास्ते ओहो ही चीज पसंद करना जेड़ी मैं अपने वास्ते पसंद करना। अबू जर दो बंदियां ते भी अमीर ना बनना, दो बंदियां दे उते अमीर भी ना बनी, क्योंकि तेरे तो इमारत दा हक अदा ही नहीं होना, तू कमजोर मैं तेनू वेख रहा है, तेनू मैं कमजोर वेखदा पे अबू जर, ते किसे यतीम दे माल दा मुतवली ते ओदा जनाब सरपरस्त बिल्कुल ना बनना। अकबर, कोताही हो जाएगी तेरे को, है माड़ा बंदा है, गरीबड़ा बंदा है, कि तेरे यतीम दे माल दे विच्चों तू एक एक लुकमा भी खा लिया है जी, नजायज तरीके नाल एक लुकमा भी, एक बंदा माड़ा है, सिर्फ रोटी खाना पीना, बाकी गुलशरे नहीं उड़ाने, वो दे माल की हिफाजत करनी है, यतीम दे माल की अगर सरपस्त बन गया हिफाजत करनी है, तो ओदा माल है जी किसे कारोबार चला दे है जी, सारा अड़पना कर जा, बल्कि अल्लाह ताला उहदे चो मुनाफा देवे, ते जदों यतीम जवान हो जाए वो हैंड ओवर कर, उहदे सुपुर्द कर दे सारा माल, एक टका भी नजायज नहीं, अगर तू पैसे वाला है दौलतमंद है तो एक पैसा भी एक लुकमा खाना तेरे वास्ते हराम है, अगर गरीब बंदा तू सरप्रस्त बन गया तो फिर गरीब आदमी नू हक पहुँचता है कि थोड़ा बहुता उहदे चो अपना जरूरत के मुताबिक जिन्ना क जरूरत के मुताबिक कुछ खर्च कर ले, क्योंकि उहदे तो अलावा उहदा कोई सहारा आसरा नहीं गा, उहदा कोई जनाब रिजरिया माश नहीं, उहदे माल नू संभालदा पिया, उहदे माल नू कम ते लाया होया, उहदे विचों अपना रोटा रोटी पानी खा सकदा है, ठीक है जी, अपना कुछ ना कुछ इह जे मसला है जी। यतीम दे बारे दे अंदर सूरह बकरा दी आयत नंबर 83 दे अंदर अल्लाह करीम ने बनी इसराइल तो वादा ले आए, अल्लाह फरमाया ला तअबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह दे अलावा किसे दी इबादत नहीं करोगे, दूसरे नंबर दा वादा वा बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन नाल इहसान करना है, तीसरे नंबर ते वा ज़िल क़ुरबा वल यतामा, चौथा नंबर यतीमा दा आ गया, तीसरा करीबिया दा, अल्लाह अकबर, सिला रहमी करीबी भाई दोस्त रिश्तेदार करीबी हुंदे ने, सिला रहमी करने वाले दी अल्लाह उम्र में इजाफा फरमाता है, अल्लाह उसका रिज़्क़ वधा देता है।
पक्की हदीस है, बात दूर ना चली जाए। फरमाया वल मसाकीन, और मिसकीना नू भी देना है। फरमाया अल्लाहु अकबर, वादा ले आए अल्लाह करीम ने बनी इसराइल तो, और बनी इसराइल सूरत बनी इसराइल दिए थे पहले सूरत बकरा दी आयत, सूरत बनी इसराइल दी जी 34 नंबर आयत अंदर अल्लाह करीम ने वाज़े तौर पे फरमाया वला तक़रबू माल यतीम। कीर कलाम वाले हो, ग्रीन टाउन दे बासी हो, लाहौर अंदर रहने वाले हो, अल्लाह फैसलाबादी तेनू भी अल्लाह हुक्म दिंदा है वला तक़रबू माल यतीम। यतीम दे माल दे नेड़े नहीं जाना, यतीम दे माल दे अल्लाह अकबर। अल्लाह जेड़ा यतीमा नू परेशान कर दे, अल्लाह फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जेड़े लोग यतीमा दा माल जुल्म नाल खांदे ने, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, ओते अपने पेटा दे अंदर जहन्नम दी अग भर रहे ने। अल्लाह फरमाया यतीमा नू रवाने वाला, यतीमा दे आंसू निकलाने वाला, निकलवाने वाला, वासा यसलून सईरा, जेड़ा यतीमा दे आंसू निकलवांदा है, यतीमा नू रवांदा है, अल्लाह कहंदे ने असी खोजे वासा यसलून सईरा, देखदी होई अग दे अंदर उन करीब झोंक देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, यतीमों के आंसू, यतीमों के आंसू। बात बहुत दूर निकल गई, बहुत कुछ बयान हो गया, अल्लाह दी तौफीक दे नाल। अगला जुमा मैं ऐलान कर चुके हैं, इंशाअल्लाह बयान करांगे अल्लाह दी तौफीक नाल हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह हा ते भी पेश, काफ पहले काफ ते भी पेश, अगे वाओ ते जज़म, फिर काफ दे अगले काफ उत्ते भी मोटा काफ है दो नुक्ते आला, उदे ते भी पेश। हुकूकुल्लाह अल्लाह के हुकूक इंशाअल्लाह अगला जुमा बयान होएगा। और मेरिया 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 तकरीरां सुनो, सुन के आओ सुनने वाले हैं जी। तुसी मेरा ऐ खिताब जिंदगी च पहली मरतबा, अगर मेरी जिंदगी रही इंशाअल्लाह अगला जुमा सुनोगे हुकूकुल्लाह।